हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 तक करा था। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। चलिए, कहता है स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। कहता है आप बताइए आप रीजन के साथ कि जो ये फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। चलिए फर्स्ट में कह रहा है एफ फ्रॉम 1, 2, 3, 4 से 10 तक, जिसमें फंक्शन कहां से कहां है 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। ओके, अब हमने एक बात सीखी थी, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन इट इज 1, 1 एंड 2। बट सब कुछ 10 पे जा रहा है, 1 भी 10 पे 2 भी 10 पे 3 भी 10 पे 4 भी 10 पे, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, 1, 1 फंक्शन नहीं है। 1, 1 फंक्शन कौन सा होता था, एक इमेज को एक ही प्री इमेज मिले, ठीक है, यहां एक इमेज को चार प्री इमेजेस मिल रही है, सो इट इज नॉट 1, 1। अगर 1, 1 नहीं है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता था, जो 1, 1 भी होगा और जो 2 भी होगा। चलिए फिर आता है 5, 6, 7, 8 जी, 1, 2, 3, 4 देखिए बुक्स में, जी है 5, 4 ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है जी है 5, 4 6, 3, 7, 4 8, 2 ओके, तो 5, 4, 6, 4, 8 इमेज को दो प्री इमेजेस मिल गई, 1, 1 फंक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट कह रहा है H27, 3, 9, 4, 11, 5, 13 और ये क्या है H 1, 2, 3, 4 से कहां तक 7, 1, 7, 9, 11, 13। देखो हर एक प्री इमेज को इमेज मिली, फंक्शन है एक ही मिली, 1, 7 पे जा रहा है 3, 9 पे है और एक सेकंड दिस इज 2, 3, 4, 5 और 5, 13 पे ओके, और इधर से भी सबको मिली, 7 पे 2 है 9 पे 3 है 11 पे 4 है और 13 पे 5 है, तो इट इज 1, 1 एंड 2 सो इनवर्स एग्जिस्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर एफ फ्रॉम आर टू आर 2 r ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स किसके इक्वल है 4x+3 इज इन्वर्टेबल। कहता पहले प्रूव करिए इट इज इन्वर्टेबल, चलिए देखते हैं। 1, 1 प्रूव करने के लिए क्या था, fx1 इज इक्वल टू fx2 यानी 4x1+3 इज इक्वल टू 4x2+3, 3 से 3 कैंसल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 तो x1 किसके इक्वल आया x2 के, ठीक है, जब x1 x2 के इक्वल आया तो फंक्शन इज 1, 1। अब जब ऑन टू की बात करेंगे हम, ऑन टू के लिए क्या था, y इज इक्वल टू 4x+3, x की वैल्यू 4x कितना आया y-3, x किसके इक्वल आया y-3/4, तो y की कोई भी वैल्यू रखो रियल वैल्यू y-3 एग्जिस्ट करेगा, y-3 रियल है तो y-3/4 रियल हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल अपॉन 4 इज रियल, सो किसी भी रियल नंबर y के लिए एक x एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। हम कैसे लिखेंगे, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, y-3 भी सेट ऑफ रियल नंबर और y-3/4 भी कहां से, x से, जो कि क्या है r, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, अगर ये ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट, 1, 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन का जो इनवर्स है वो
एग्जिस्ट करेगा, और जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, x क्या आया y माइनस 3 बाय 4, दैट इज f इनवर्स y, दिस इज f इनवर्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए, पहले हमने 1-1 प्रूव करा, फिर ऑन टू प्रूव करा, और फिर हमने उसका इनवर्स फाइंड करा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ में कह रहा है fx इक्वल f फ्रॉम r पॉजिटिव से 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये आया fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, शो दैट f इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ गिवन। चलिए पहले प्रूव करना है f इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल के लिए पहले क्या प्रूव करेंगे, 1-1 फंक्शन होना चाहिए ये। 1-1 के लिए क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर एक्स एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, वेयर एक्स वन कोमा एक्स टू कहां से है, बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। यह आया एक्स वन स्क्वायर प्लस 4, ये आया x2 square plus 4, 4 से 4 cancel, x1 square is equal to x2 square, x1 is equal to plus minus x2, but x2 कहां से है, r positive से है, तो minus वाला exist नहीं करेगा, तो x1 is equal to x2, fx is, function is 1-1, हो गया 1-1। चलिए अब on 2 की बात करेंगे, फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू का मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब हमने कहां से कहां प्रूव करना है, ये 4 टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई y माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई रूट y माइनस 4, ठीक है। अब देखिए y में 4 से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट करूं, r पॉजिटिव है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मैं y की वैल्यू कुछ भी 4 से इंफिनिटी तक पुट करूं, मिनिमम वैल्यू 4, 4 माइनस 4 0, 0 r पॉजिटिव में आ रहा है, यस, 4 से इंफिनिटी तक मैं कोई भी नंबर उठाऊं तो वो क्या, उसमें से 4 घटाऊं तो रूट निकालूंगा, तो आंसर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। आप कोई भी y ले लीजिए, लेट y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो रूट वाई माइनस 4 क्या आया, वाई माइनस 4 कहां से कहां तक, बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और रूट वाई माइनस 4 क्या आया, देखिए कोई भी 0 से इन्फिनिटी तक क्या, कोई भी यानी कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मैं स्क्वायर रूट करूंगा, दैट इज अगेन ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो एक्स कहां से कहां तक आया, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इसमें से बिलोंग करता है, यानी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, सो फंक्शन इज ऑन टू। क्या कह रहा है, 4 से इन्फिनिटी तक के हर एक पॉइंट को, हर एक एलिमेंट को आर पॉजिटिव में प्री इमेज मिल रही है, सो इट दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और जब फंक्शन 1-1 और ऑन टू होता है, फंक्शन 1-1 और ऑन टू होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, तो देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल, और वह फंक्शन इन्वर्टेबल कौन सा होगा, कहता एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई, एफ एन एफ इनवर्स वाई के, ठीक है, तो ये क्या आया, अंडर रूट वाई माइनस 4 के, समझ आई बात, तो ये क्या है,
तो f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y माइनस 4. ये कैसे आया? y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 था, x स्क्वायर की वैल्यू y माइनस 4 आई, x की वैल्यू आई रूट y माइनस. कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. समझ आया ना f इनवर्स y रूट y माइनस 4 हमारे पास कैसे आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट. नाइन्थ इज मोस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं? एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव से माइनस फाइव से इंफिनिटी, और ये क्या है? चलिए, और गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव. So f is invertible. चलिए पहले हमें चेक करना है f is 1 1. तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, नाइन एक्स वन का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन माइनस फाइव, नाइन एक्स टू का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टू माइनस फाइव. फाइव से फाइव कैंसल, नाइन एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन माइनस एक्स टू. ओके, चलिए नाइन एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आया. अब एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा? नाइन एक्स वन प्लस नाइन एक्स टू प्लस सिक्स, वेयर एक्स वन कोमा एक्स टू कहां से है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर से है. कहां से है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर से है. अब देखिए एक्स वन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, एक्स टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और ये सिक्स भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है. सो नाइन एक्स वन प्लस नाइन एक्स टू प्लस सिक्स, ये नॉट इक्वल टू जीरो, क्या रह गया? एक्स वन माइनस, सो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, फंक्शन इज 1 1. फंक्शन कैसा है? एक 1 1 फंक्शन है. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए फंक्शन कैसा हो, ऑन टू फंक्शन हो. यह ऑन टू फंक्शन ध्यान से ध्यान देखना भी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सिर्फ यह ऑन टू के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है. y इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, ठीक है. हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है. हम x कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना, यहां स्क्वायर में है, x कैसे फाइंड करेंगे? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, टेंथ क्लास में पढ़ा था, स्क्वायर मेथड. y की वैल्यू उसमें क्या करेंगे? पहले सब सारे को डिवाइड बाय 9, तो ये क्या है? एड एंड सब्ट्रैक्ट, 2/3 का, 2/3 ए 2/6 का, यानी 1/3 हम कह सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर. ये क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 5/9. इट विल बी y इज इक्वल टू x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस माइनस हमने कॉमन लिया 9 एलसीएम 1 प्लस 5. ओके, देखो 1/9, 9 कॉमन एलसीएम लिया हमने, माइनस बाहर लिया तो 1 प्लस 5. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 6/9. तो y प्लस 6/9
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय थ्री का स्क्वायर आया, कोई दिक्कत? अच्छा, जिस टाइम हम यहाँ डिवाइड बाय नाइन करेंगे ना, तो ये हमारे पास, हाँ ये भी हमारे पास वाई बाय नाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड करना पड़ेगा ना हमें, ये रह गया था, तो ये आया वाई बाय नाइन, ये आया वाई प्लस सिक्स बाय नाइन इज इक्वल टू इसका रूट एक्स प्लस वन बाय थ्री, ठीक है? तो जब ये आया रूट वाई प्लस सिक्स बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू एक्स, तो रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू एक्स। अब वाई कहां से कहां तक है? माइनस फाइव से इन्फिनिटी तक। वाई कहां से कहां तक है? माइनस फाइव से इन्फिनिटी तक। सिक्स माइनस फाइव वन, ठीक है? मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव हो सकती है, वन, वन माइनस वन जीरो, एक्स जीरो है, यस, आर पॉजिटिव इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और मैं आगे कोई भी वैल्यू पुट करूंगा वो क्या आएगा? वो वन से बड़ा आएगा, और वो वन से बड़ा आएगा तो वन माइनस वन मतलब वो कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। सो फंक्शन इज ऑन टू, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू माइनस फाइव से इन्फिनिटी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है? तो ये हमारे पास इनवर्स, ये एग्जिस्ट करा। जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो ये मेरा एफ इनवर्स आया, क्या आया? रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन बाय थ्री, ठीक है? ये आया मेरे पास, हमने सीखा है ना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्या आया? एफ इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या पड़ी है हमारे पास? रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन बाय थ्री, यही एफ इनवर्स वाई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर एफ वन टू थ्री, एफ है वन टू थ्री से ए बी सी, और एफ वन है ए, एफ टू है बी, और एफ थ्री है सी। कहता फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, एफ इनवर्स देखते हैं, एफ इनवर्स ए क्या आया? वन। एफ इनवर्स बी क्या आया? टू। पहले ये देखा हमने, देखो ये वन वन फंक्शन है, वन ए पे, टू बी पे, थ्री सी पे, और ऑन टू, ये ए बी सी तीनों को प्री इमेज मिल रही है और एक ही मिल रही है, सो इट इज वन वन एंड ऑन टू, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये आया, ठीक है? अब हमें कह रहा है कि प्रूव करो, रिक्वायर्ड टू प्रूव है मेरे पास एफ इनवर्स का इनवर्स दैट इज इक्वल टू एफ। चलिए प्रूफ देखते हैं। एफ इनवर्स क्या है मेरे पास? एफ इनवर्स ए क्या आया? वन, ठीक है? अब दिस इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू, ए बी सी, अब मैंने इसको क्या मान लिया? जी मान लिया, लेट एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, लेट एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, और मेरे को प्रूव करना है जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है? तो जी ऑफ ए ये किसके इक्वल आया? वन के। ए किसके इक्वल आया? जी इनवर्स वन के। बी किसके इक्वल? जी ऑफ बी दैट इज टू, जी ऑफ सी दैट इज थ्री, तो बी किसके इक्वल आया? जी इनवर्स टू के, और सी किसके इक्वल आया? जी इनवर्स थ्री के, और जी इनवर्स किसके इक्वल है? जी इनवर्स, जी है एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ वन दैट इज इक्वल टू ए, एफ इनवर्स इनवर्स दैट इज टू, एफ इनवर्स इनवर्स दैट इज थ्री, ठीक है? तो देखो जब मैंने एफ ऑफ वन लगाया था तब भी ए आया था, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स लगाया तब भी आया,
एफ ए ऑफ टू लगाया था, बी आया, एफ ऑफ थ्री लगाया था, सी आया, सेम इसके लिए आया. सो दैट इंप्लाइज एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ, हेंस प्रूफ्ड. ओके, चलिए जो बाकी दो क्वेश्चन रह गए हैं ये आपने खुद करने हैं, और हम नेक्स्ट टाइम बाइनरी ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज करेंगे. पिछले साल दो तीन सालों से सीबीएसई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज से आ रहा है. ठीक है, दिस इज फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.